हो गई थी, मोबाइल और मोबाइल था, एटीएम कार्ड था, अन्य सामान था, वो सब चोरी हो गया था। तो आज उसी का अनावरण हम लोग कर रहे हैं। ये डिब्बा यूपी पुलिस का पहला कारनामा है, इसके साथ ही दिखा दो मेरी कमरे के साथ। खाने का डिब्बा क्या मामला है? दो साल से हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो मेरा बेटा काम देखता है। तो बेटा संडे के दिन इतवार की बाजार होती है, तो इतवार के लिए घर से करीब 6:30 बजे वहां से चला और यहाँ पर 7:40 तो कोहरा होने का 7:40 पर आया। 7:40 पर चूंकि हमारे एक अच्छे ग्रुप से, अडानी ग्रुप से हमारी, हम उसके मतलब उसके लिए खरीद करते हैं धान की, तो बेटा एकदम चूंकि वहां पर पर्चे मौजूद थे तो मतलब गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी में पैसा था, पिस्टल थी, पर्स था, वो सब रख के गाड़ी में, क्योंकि चूंकि लेबर आ जाती है और वो दो साल से ऐसे करके बाजार में सीधे, क्योंकि सुबह ही सुबह जो किसानों से अच्छा माल मिल जाता है क्वालिटी का, तो इसलिए बेटा तुरंत चला गया। तो 7:40 तो उसने गाड़ी खड़ी करी, 7:40 के बाद वो वहां पे ये खरीद रहा था कि ट्राली के मतलब किसान से सौदा कर रहा था, तब तक जो लेबर का ठेकेदार वैजनाथ उसका फोन जाता है इसके पास 8:10 पे कि इसी तरीके से भैया आपकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। ये तुरंत भाग पड़ता, भाग के देखता तो इसका जो बैग था वो वहां से होता है, उसका दिमाग जो सब 8:14 पे मुझे फोन करता है। 8:14 फोन करके मैं भी वहां पे आता हूँ, मैंने फिर इसने फिर 100 नंबर को फोन किया और हमारे जो मेरे छोटे भाई हैं ओमपाल सिंह उनको फोन किया। हम वहां से चल पड़ते हैं, फिर जब वहां पे आते हैं तो एक बैग मुनीम का भी वहां पे रखा था। मुनीम का बैग में हमें मालूम नहीं था पैसे हैं या नहीं है, वो तो बाद में जब SPRA साहब वहां गई जब बैग की तलाशी ली तो उसमें भी 1,75,000 रुपया मिला। आपका कितना रुपया गायब हुआ था? हमारा लगभग रुपया गायब हुआ था जब हमने उस समय इसने लिखा दिया था 19 लाख रुपया, लेकिन जब जोड़ा तो इन्होंने 59 लाख बैंक से निकाला था, नंबर एक का काम है, तो उस समय 10 लाख कितना 11 लाख समथिंग था, 11 लाख समथिंग था एग्जैक्ट, वो हमने बता दिया था बात को पुलिस को बोली कि हमारा 11 लाख था। तो पूरा का पूरा पैसा हमारे SPRA साहब के नेतृत्व में, CO साहब के नेतृत्व में और कोतवाल साहब जो ऐसे घूम रहा है, खास तौर से मैं बधाई देना चाहूंगा जो सुरेंद्र सिंह जी ऐसा ही है, इनकी जो टीम 5 लोगों ने, इन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी वजह से हमारा रुपया बरामद हुआ। मैं और तो और साहब एक सबसे बड़ी बात, आज तक पहला एग्जाम्पल है कि खाने का जो डिब्बा था इसका, यूपी पुलिस का पहला रिकॉर्ड है कि खाने का डिब्बा तक हमारा एज इट इज बरामद हुआ, जिसमें इसके पराठे थे, वो मैं आपको डिब्बा दिखाना चाहता हूँ, तनु ले आओ, वो डिब्बा भी खाने का डिब्बा भी बरामद हुआ है। पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ और यहाँ मैं बधाई हूँ इसका, बरेली का कांग्रेस का प्रभारी भी हूँ, लेकिन इससे हटके भी क्योंकि हम लोग हमेशा विपक्ष बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खास तौर से हमारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। क्या मामला है, किस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया है? ये 24 तारीख को सुबह हमारे पास सूचना आई कि बमोरा थाना क्षेत्र में देवचरा में जो धान की मंडी लगती है वहां तपन प्रताप जी अपनी गाड़ी में गए बदायूं से धान खरीदने के लिए, और गाड़ी में इनका थैला रखा हुआ था और ये उसके बाद मार्केट में भ्रमण करने के लिए गए तो किसी ने पीछे से सुबह 7:45 से 8 बजे के बीच में गाड़ी का शीशा तोड़ा और वो थैला जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे, लाइसेंसी पिस्टल थी, एटीएम कार्ड थे, मोबाइल था, अन्य सामान था, वो चोरी करके ले गए। 24 तारीख की इस घटना का अनावरण आज हम लोगों ने किया है, बमोरा थाना की पुलिस ने और उनके क्षेत्राधिकारी ने यह अनावरण किया है, जिसमें कुल 10,31,000 रुपए प्लस लाइसेंसी पिस्टल, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य चोरी किया गया सामान हम लोगों ने रिकवर किया है। 100% रिकवरी इसमें हुई है और अनावरण में सामने आया है कि जो तपन प्रताप पुत्र ओमकार जी हैं, इनकी ट्रेडिंग कंपनी है तपन ट्रेडिंग कंपनी, इन्हीं के मुनीम है, काफी समय से इनके यहाँ मुनीम थे सुधीर गुप्ता, उन्होंने 3 अपने ही लेबर के लोगों को शामिल करके इसकी योजना बनाई और इस योजना के तहत इस घटना को अंजाम दिया। और ये निश्चित हुआ कि 24 तारीख को ही बलिया रोड पर एक खाली मकान के पीछे कुएं के पास इस सामान को छुपाया जाएगा और अगले दिन रविवार की घटना है और सोमवार के दिन के बाद मंगलवार के दिन इसका बंटवारे का तिथि निश्चित हुई थी। बंटवारे के बाद इन सबके पास पैसा मिला और जो भी लेबर इसमें गायब थी, जो ड्यूटी पे आना बंद हो गई थी, उसी से हम लोगों को सुराग मिला और उसी से लीड मिलते मिलते इसका अनावरण किया और 100% हम लोगों ने इसमें रिकवरी की है।